नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। पांडुना नगर के सीएम राइज विद्यालय में उच्च राज्य शिक्षा मंडल भोपाल के नीति निर्देशानुसार विद्यालय में प्रवेश को लेकर विद्यार्थी पालकगण एवं प्राचार्य की मदस्थ हुई बैठक में विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए प्रवेश आवेदन फॉर्म पर विचार विमर्श करते हुए बैठक में विद्यालय की संपूर्ण कक्षाओं की बैठक व्यवस्था देखते हुए कक्षा छठवीं, कक्षा नवमी, कक्षा ग्यारहवीं में प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी कर जनप्रतिनिधियों एवं बालकों के समक्ष चिट्ठी सिस्टम से ड्रॉ के माध्यम से विद्यालय में प्रवेश देना तय हुआ है। इस बैठक में चंद्रशेखर बरेट प्राचार्य, वीना मनकबड़े उपप्राचार्य, योगीराज वानोड़े बीईओ, सोनू बागड़े पार्षद, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थी पालकगण उपस्थित थे। 10 सीटें बढ़ाने की वजह से बहुत सारी परेशानी हम लोगों को होने वाली है और उन परेशानियों में आप लोगों की भी बहुत मदद लगेगी। मदद इसलिए लगेगी क्योंकि हमारे पास टीचर कम है और बच्चे ज्यादा है। अब यदि मान लीजिए कोई विषय का टीचर आपके बच्चे को पूरा नहीं पढ़ा पा रहा है या समय नहीं दे पा रहा है तो उस समय आप लोगों की कंप्लेंट कम से कम आए, ये हम चाहेंगे। यदि बिल्कुल हमारा टीचर कोई मेहनत नहीं कर रहा हो तो बात अलग है, मगर टीचर ही नहीं है उसके बावजूद आप कहेंगे कि सीएम राइज ने आपने एडमिशन दे दिया और इतनी सारी सुविधाएं बच्चों को मिलना चाहिए और वो मिल नहीं रही, तो हम इसीलिए सीटें बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु आपकी डिमांड होने के कारण, आपका हम पे विश्वास होने के कारण हमने 10 सीटें बढ़ाई। उन 10 सीटों पे आज लकड़ी होना है, उसके लिए आवेदन जो लगभग आए हैं और टोटल 28 आवेदन है, उसमें से 8 आवेदन हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। वो रिजेक्ट इसलिए होंगे कि पहले हम जो प्राथमिकता देंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो कि हमारी पोषक शालाएं थी पहले और जहां के बच्चों को ही एलडीएस में प्रवेश दिया जाता था, उसमें से एक है हमारी वसई प्राथमिक शाला, इंदिरा कन्या प्राथमिक शाला और सुभाष प्राथमिक शाला, साथ में गांधी प्राथमिक शाला, इन शाला के बच्चों को ही 10 सीटों में प्रवेश किया जाएगा। तो हमारे 8 आवेदन जो बाहरी विद्यालय से थे, जैसे आजमगांव के हैं या सनफ्लावर के हैं, बीदर है, समता है, उन आवेदनों को हमने रिजेक्ट कर दिया है और उनकी चिट्ठियां नहीं बनेंगी। अब जो हमारे शाला से आने वाले बच्चे हैं वो है 20 बच्चे, इन 20 बच्चों में से भी हम केवल 10 बच्चे ही को ही प्रवेश दे पाएंगे, उनके लिए लाठी सबसे पहले होगी। सभी जनप्रतिनिधि एवं पालक भी उपस्थित थे। कक्षा छठी में 10 हिंदी माध्यम में 10 स्थान था जिसमें 20 आवेदन आए थे, जिसमें से 10 चयनित हुए हैं। इसी प्रकार से कक्षा नवी अंग्रेजी माध्यम में कुल 63 आवेदन आए थे जिसमें से 10 छात्रों का चयन किया गया है। इसी प्रकार से 11वीं एजी में 12 आवेदन आए थे जिसमें से 12 के 12 छात्रों का चयन हुआ है। 8-11 में 35 आवेदन आए थे जिसमें से 30 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इस प्रकार से हमारी प्रवेश की जो प्रक्रिया थी वो जनप्रतिनिधियों के समक्ष पूर्ण किया गया है। पांडुना से खबर समय जगत के लिए देवेंद्र खुरसंगी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।